सो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 2.5 का टॉपिक ग्राफिंग रैशनल फंक्शंस करने जा रहे हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि इस टॉपिक के ऊपर आप एक लेक्चर वीडियो लेकर आ जाए, तो मैं लेक्चर वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि टॉपिक क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आपको दिमाग लगाकर इसको समझना पड़ेगा। बट मैं आपसे इस बात की गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को दिमाग लगाकर समझेंगे, शुरू के दो क्वेश्चंस पे आप अच्छा खासा टाइम दे देंगे, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत हलवा होने वाला है। तो चलिए लेक्चर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन है। अब हमें इस फंक्शन के साथ करना क्या है, हमें इस रैशनल फंक्शन का ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ के अंदर हमें एजम्प्टोट्स की इक्वेशंस को इंक्लूड करना है और डोमिनेंट टर्म्स को इंक्लूड करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें रैशनल फंक्शन का क्योंकि ग्राफ बनाना है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ये चेक करना होगा कि हमारा ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये रैशनल है भी या नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर मौजूद है, इसका मतलब मेरा फंक्शन रैशनल है, मुझे इसके साथ कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर मेरा फंक्शन इरेशनल होता तो पहले मुझे उसको रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ता, बट यहाँ पर क्योंकि मुझे ऑलरेडी रैशनल गिवन है, सो नो नीड टू डू एनीथिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है कि हमें इसका ग्राफ बनाना है। लेकिन ग्राफ बनाने से पहले हमें एजम्प्टोट्स की इक्वेशंस का पता होना चाहिए ताकि हम उनके थ्रू ग्राफ बना सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एजम्प्टोट्स की इक्वेशंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट को फाइंड आउट करने लगी हूँ, तो यहाँ पर मैंने एच ए लिख दिया है। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट को फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है कि आप एक्स के ऊपर एक दफ़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई कर दें, एक दफ़ा नेगेटिव इन्फिनिटी, यानी लिमिट आपको अप्लाई करनी है एक्स की, एक दफ़ा पॉजिटिव इन्फिनिटी, एक दफ़ा नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पर पहले मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई करने जा रही हूँ, तो मैं दोनों साइड्स पर पॉजिटिव इन्फिनिटी इंक्लूड कर दूंगी। तो यही काम मैंने किया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई इक्वल्स टू, मैं राइट हैंड साइड पर भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रही हूँ और फिर 1/(x-1) लिख दिया मैंने। ठीक है, यानी दोनों साइड्स पर मैंने लिमिट अप्लाई की। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करने जा रही हूँ तो ये हो जाएगा 1/(∞-1) विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यानी मेरे पास y इक्वल आ गया है 0 के। अब सेम हमें काम करना है लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी के ऊपर, तो हम लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी 1/(x-1)। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/(-∞-1) विच इज़ अगेन इक्वल्स टू 0। तो आपके पास जो इक्वेशन आ गई है, एक आ गई है y इक्वल्स टू 0, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये आ गई है मेरे पास हॉरिजॉन्टल एजम्प्टोट की इक्वेशन। अब हमें फाइंड आउट करनी है वर्टिकल एजम्प्टोट की इक्वेशन, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ वी ए, यानी कि हम वर्टिकल एजम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो वर्टिकल एजम्प्टोट की इक्वेशन फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है उसको आप इक्वल ले लें 0 के और डिनोमिनेटर से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी ये वो वैल्यू होगी x की जहाँ पर मेरे पास जो मेरा पूरा का पूरा फंक्शन है वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम x माइनस वन को लेने वाले हैं 0 के इक्वल। तो जब मैंने x माइनस वन को 0 के इक्वल किया तो यहाँ से मेरे पास x की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई है, x इक्वल आ गया है 1 के। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है, यानी कि वर्टिकल एजम्प्टोट की इक्वेशन आ चुकी है। अब हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि आइदर इस वैल्यू के ऊपर हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इन्फिनिटी हो भी रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इस फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे और एक दफ़ा राइट हैंड साइड से। तो जब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड से अप्लाई करूँगी तो मुझे लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव वन वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव वन 1/(x-1)। यानी कि ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अप्लाई करी है इस वक्त। ठीक है, अच्छा नहीं एक मिनट, ये 1 नेगेटिव ऊपर आएगा, इस तरह से आएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब ये हमने जब अप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/(1-1)। लेकिन यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, इसको याद रखिएगा, तो 1/0 विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बट क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इन्फिनिटी, वो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी हम इसके साथ इंक्लूड कर देंगे। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को भी चेक करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी राइट हैंड साइड की लिमिट है ये, वाई इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव
वन ओवर एक्स माइनस वन, तो आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो तो ये इक्वल हो जाएगा वन ओवर वन माइनस वन विच इज़ इक्वल टू वन ओवर ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, बट क्योंकि राइट हैंड साइड की लिमिट है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो इसका मतलब कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ चुकी है, वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ चुकी है, उसके ऊपर हमने वैल्यूज़ चेक कर ली हैं कि हमारी आइदर ये हमने जो x इक्वल टू वन निकाला था ये सही है या नहीं। अगर ये सही नहीं होता तो यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के बजाय कोई और आंसर्स आ रहे होते, तो इसका मतलब हमने कन्फर्मेशन भी कर ली है। अब हमारा अगला टास्क है ग्राफ को प्लॉट करना। देखिए मैंने यहाँ पर एक रफ सी स्केलिंग कर ली है वन के हिसाब से, यानी वन पॉजिटिव वन, पॉजिटिव टू, पॉजिटिव थ्री, इसी तरह वाई एक्सिस पर, इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, और ये मैंने मतलब एक रफ सी मैंने स्केलिंग कर ली है। अब सबसे पहले हमने एसिम्प्टोट्स क्या पढ़ा है कि एसिम्प्टोट्स बेसिकली क्या होते हैं। एसिम्प्टोट वो होते हैं जो ग्राफ के साथ साथ जाते हैं, कभी भी उसे क्रॉस नहीं करते, ठीक है। ये हमने एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। अब हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है उसको हम अपने ग्राफ पर लगा लेंगे और जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है उसको हम अपने ग्राफ पर लगा लेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आया था वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई इक्वल्स टू ज़ीरो कहाँ पर होता है, यहाँ एक्स एक्सिस पर होता है। तो इसका मतलब कि ये जो पूरा एक्स एक्सिस है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आया है जिसको हम लिख लेते हैं वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि हमसे कहा गया था कि आपने इक्वेशंस को भी इंक्लूड करना है अपने ग्राफ में। अगला हमारे पास क्या आया था, x इक्वल्स टू वन, जो कि आया था वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो x इक्वल्स टू वन मेरे पास कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह पर है x इक्वल्स टू वन, सही। तो यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन से अपना वर्टिकल एसिम्प्टोट शो करा लेती हूँ, सही। तो ये मैंने वर्टिकल एसिम्प्टोट शो करा लिया। अब जो हमने एसिम्प्टोट की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि एसिम्प्टोट वो होता है जो ग्राफ के साथ साथ चलता है, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करता। तो इसका मतलब कि जो मेरा एसिम्प्टोट होना चाहिए वो यहाँ इसके साथ साथ चलना चाहिए और फिर इसके साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर आएगा तो ये क्या होगा कि ये मेरे इस वाले एसिम्प्टोट को क्रॉस कर रहा होगा। तो इसका मतलब इस रीजन में मेरा एसिम्प्टोट नहीं आएगा, एक एसिम्प्टोट मेरा इस तरह से आ रहा होगा कुछ, और जो दूसरा आ रहा होगा वो भी मेरा कुछ इस तरह से आ रहा होगा, मतलब कि उसने बेसिकली क्रॉस नहीं करना है, सही है। अब उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए हम इसके ऊपर प्लॉटिंग करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बेंडिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। अगर हमें बेंडिंग पॉइंट मिल जाएगा तो हम बहुत ही आसानी के साथ अपने ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर x इक्वल्स टू वन आप लोगों ने लिख लेना है, क्योंकि आपको इक्वेशंस इंक्लूड करने का कहा है आपके क्वेश्चन में। अब बेंडिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि ये जो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट है ना, इससे एक साइड आप राइट ले लें, यानी एक पॉइंट राइट का ले लें और एक पॉइंट लेफ्ट का ले लें। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पॉइंट टू आ रहा है तो मैं सिर्फ टू ही लूँ, आप थ्री भी ले सकते हो, फोर भी ले सकते हो। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे अगर जो लेफ्ट पॉइंट आ रहा है इसका ये वन है तो इसका इस तरफ क्या होगा, ज़ीरो। तो ज़रूरी नहीं है आप ज़ीरो लो, आप नेगेटिव वन, नेगेटिव टू कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लेके आप काम कर सकते हैं। तो मैं एक एक पॉइंट, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल इस टू को ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक्स इक्वल्स टू टू को पुट करूँगी इस फंक्शन के अंदर। ये जो मेरा फंक्शन मुझे गिवन था वाई इक्वल्स टू वन ओवर एक्स माइनस वन, यहाँ पर आप रख दो एक्स की जगह पर टू। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा वन ओवर टू माइनस वन इज इक्वल्स टू वन ओवर वन विच इज़ इक्वल्स टू वन, यानी कि मेरे पास जो एक पॉइंट आया वो क्या आया है, टू कॉमा वन आया है। इस पॉइंट को आप अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लें, तो टू और वन वाला पॉइंट ये रहा, सही है, इस पॉइंट को आपने प्लॉट कर लिया। इसका मतलब कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर मेरा ग्राफ जो है वो बेंड हो रहा होगा, यानी इस जगह पर मुझे अपने ग्राफ को क्या कर देना है, बेंड कर देना है। अब देखें, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए जो भी आपने दो पॉजिटिव लिमिट्स निकाली हैं, एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट पे और एक वर्टिकल एसिम्प्टोट पे, वो यहाँ पर प्लॉट कर लें। तो एक तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए ये मैंने निकाली है और वर्टिकल वाले एसिम्प्टोट के लिए मैंने यहाँ पर निकाली हुई है ये। तो यहाँ पर जो मेरे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आया है उस पर मेरे पास वाई क्या आया है, पॉजिटिव हैंड साइड की लिमिट अप्लाई करने पे पॉजिटिव इन्फिनिटी आया है। अब अगर यहाँ पर मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी ड्रॉ करूँ तो इन्फिनिटी हमारे पास कहाँ, ऊपर की तरफ होगा। पॉजिटिव इन्फिनिटी कहाँ, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ये वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आया है ना। तो ये रहा वाई, और पॉजिटिव इन्फिनिटी कहाँ होगा कि वाई ऊपर की तरफ बढ़े जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट को मुझे इस लाइन तक रखना है, इस लाइन से क्रॉस नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है और एसिम्प्टोट को तो हमारा ग्राफ कभी भी क्रॉस नहीं करता। तो इसलिए जो मेरा ग्राफ बनेगा इस तरह से कुछ बनेगा और यूं जाते जाते इसके करीब चला जाएगा, इसको कट नहीं करेगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास पॉइंट,
और यहाँ पर लाते लाते आपने अपने ग्राफ को बेंड कर लेना है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका ग्राफ बेंड हो रहा होगा। अब अगला हमारे पास क्या था, पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की जो मैंने बनाई थी, जहाँ पर y इक्वल्स टू जीरो आ रहा है मेरे पास। तो y इक्वल्स टू जीरो मेरे पास कहाँ, इस तरफ जाते जाते हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ से नीचे की तरफ जाता रहेगा और एक टाइम आएगा कि y इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर भी एसिम्प्टोट हमने बनाया हुआ है ना, तो हम इसको कभी भी इससे क्रॉस नहीं करवाएंगे, यहाँ लाकर छोड़ देंगे। तो ये मेरे पास एक ग्राफ आ चुका है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ बनाने वाली हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये था ना पॉइंट, यहाँ से आप एक लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट ले लें तो वो आ रहा है फॉर एग्जांपल जीरो। अगेन आप जीरो ना ले, आप माइनस वन भी लेके काम कर सकते हैं, मैं जीरो लेके काम करने वाली हूँ। तो अब इस जीरो को मैं पुट करने वाली हूँ यहाँ अपने इस फंक्शन में, तो ये इक्वल हो जाएगा वाई इक्वल टू वन ओवर जीरो माइनस वन विच इज इक्वल टू वन ओवर माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन। यानी एक जो अगला पॉइंट आया मेरे पास वो क्या आया, जीरो कॉमा माइनस वन आया। तो इस पॉइंट को आप अपने ग्राफ पर प्लॉट कर लें, तो 0 कॉमा माइनस वन ये पॉइंट आ गया, यानी ये वो पॉइंट है अगला जहां पर मेरा ग्राफ जो है वो बेंड होने वाला है। अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट है, तो आपने लेफ्ट की दोनों लिमिट्स चेक करनी है, यानी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की लेफ्ट लिमिट को भी चेक करना है और वर्टिकल एसिम्प्टोट की लेफ्ट लिमिट को भी चेक करना है। तो देखें, पहले हम क्योंकि वर्टिकल ड्रॉ करते हैं तो हम वर्टिकल एसिम्प्टोट की लेफ्ट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। उस पर मेरे पास आया है वाई इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी। इसको आप प्लॉट कर लें, देखें y जो है नेगेटिव की तरफ आया है इन्फिनिटी में, यानी इसका मतलब कि वो डाउनवर्ड जा रहा होगा, लेकिन वो इस एसिम्प्टोट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो यानी कि इस पॉइंट से आप यहाँ की तरफ एक बनाओगे, लेकिन इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ये एसिम्प्टोट की लाइन है। इसके करीब से आप ड्रॉ कर लोगे, लेकिन इसको कभी भी आप क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये और यहाँ क्योंकि ये बेंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर मेरा ग्राफ क्या हुआ, बेंड हो गया। सिमिलरली जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट था, उस पर नेगेटिव लिमिट अप्लाई करने पे मेरे पास क्या आया था, वाई इक्वल्स टू जीरो। तो वाई इक्वल्स टू जीरो जो है वो मेरे पास इस तरफ आते आते होगा, तो यहाँ पर आप यूं इस तरह से, अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करना जो है ना वो डिफ़िकल्ट, इस तरह से बनेगा ये, ठीक है, ए और ये नीचे आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, सही है, ये ड्रॉ करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आप इसको खुद से कर्व की तरह बनना चाहिए ना, ये देखो आ गया कर्व की तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये बेंडिंग पॉइंट आ गया। यहाँ पर हमने जो है ये अपना क्या किया, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बना दिया लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ पर हमने अपना वर्टिकल एसिम्प्टोट बना दिया लेफ्ट हैंड साइड का। सिमिलरली ये मेरा बेंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर हमने अपना वर्टिकल एसिम्प्टोट बना दिया पॉजिटिव साइड का, और यहाँ पर हमने अपना वर्टिकल एसिम्प्टोट बना दिया नेगेटिव साइड का, सॉरी पॉजिटिव साइड का। सो आपने क्या करना है, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है पॉजिटिव साइड का, मैं शायद थोड़ा सा गलत बोल गई, सॉरी। तो आपने क्या करना है, इसी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत आसान है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको फर्दर ये समझ में आ जाएगा और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। सो ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। सबसे पहला काम क्या होता है, हमें चेक करना है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो यहाँ पर क्योंकि x की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में मौजूद है, इसका मतलब फंक्शन रैशनल है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टास्क क्या होता है, हमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी पे। तो हम वो वाला काम कर लेते हैं, हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम पॉजिटिव इन्फिनिटी लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y इज इक्वल्स टू लिमिट, यानी हमने दोनों साइड पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया, 1 ओवर x प्लस 1। तो अब आप यहाँ पर जब अप्लाई करोगे तो 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अब आप नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए काम कर लें, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी y इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी 1 ओवर x प्लस 1। अब आप नेगेटिव इन्फिनिटी अप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1 ओवर नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट कर लिए पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए। अब हमारा अगला टास्क क्या है, हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है और फिर उसको वेरीफाई करना है। वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम अपने डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं 1 के, तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी नेगेटिव 1। तो ये हमारे पास आ चुकी है वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन। यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो क्या आई है, y इक्वल्स टू 0 आई है दोनों ही
लिमिट्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने अपनी इक्वेशंस निकालनी है। यहाँ पर हमें अब वर्टिकल एसिम्प्टोट को क्या करना है, चेक करना है। पॉजिटिव हैंड साइड की लिमिट अप्लाई भी करनी है और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट भी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड की लिमिट अप्लाई करके देख लेती हूँ। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव वन, और ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है तो इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव लगा दिया। वाई इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव वन, और ये नेगेटिव, और वन ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स की जगह नेगेटिव वन पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा वन ओवर नेगेटिव वन प्लस वन विच इज़ इक्वल्स टू वन ओवर ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है तो इसलिए नेगेटिव इन्फिनिटी। सिमिलरली अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड की लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव वन, और पॉजिटिव का मतलब कि ये अब हम राइट हैंड साइड की लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। दोनों साइड्स के ऊपर आप लिख लीजिए वाई इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू नेगेटिव वन, पॉजिटिव इसके ऊपर वन ओवर एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सेम काम करना है, वन ओवर नेगेटिव वन पॉजिटिव वन विच इज़ इक्वल्स टू वन ओवर ज़ीरो विच इज़ इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बट क्योंकि ये राइट हैंड साइड लिमिट है तो इसके साथ आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। सो अब हमारे पास दोनों हमने कन्फर्म भी कर ली हैं, अपने वर्टिकल एसिम्प्टोट्स को इक्वेशंस भी निकाल ली हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा देखिए, ये मैंने एक रफ सी स्केलिंग कर ली है 1-1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट से। ठीक है, 1-1 यूनिट कह लें आप, सेंटीमीटर का कोई काम है भी नहीं यहाँ पे। 1-1 यूनिट के हिसाब से मैंने क्या किया है भाई, सिमिली स्केलिंग कर लिया। जैसे कि ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है, सिमिलरली ये 1 ये 2 ये 3 एंड लेफ्ट हैंड साइड्स के भी आप खुद से देख सकते हैं नेगेटिव साइड्स की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके ऊपर वर्टिकल एसिम्प्टोट और पॉजिटिव एसिम्प्टोट की जो इक्वेशंस आई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो देखें, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, y इक्वल्स टू जीरो आई थी। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे y इक्वल्स टू जीरो, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। सही, तो ये राइट से मैंने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट लगा दिया। अब जो वर्टिकल एसिम्प्टोट आया था मेरा, वो क्या आया था मेरे पास, x इक्वल्स टू नेगेटिव वन उसकी इक्वेशन आई थी। तो x इक्वल्स टू नेगेटिव वन मेरे पास कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन से मैं क्या करूँगी, इसको शो कर लूँगी। तो ये मैंने डॉटेड लाइन सिंपली बना दी हैं अपने ग्राफ के अंदर। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारा ग्राफ आया है वो यहाँ से इस तरह जा सकता है, वो इसको क्रॉस करके इस रीजन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा एसिम्प्टोट है। सिमिलरली जो मेरा ग्राफ है वो यहाँ से क्रॉस करके इस रीजन में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा एसिम्प्टोट लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ग्राफ जो है वो कभी भी ना इस तरह से क्रॉस करेगा कि मेरे पास एसिम्प्टोट जो है वो उसके रास्ते में आ रहे हों, वो इसके साथ साथ चलेगा। एसिम्प्टोट कभी भी उसको क्रॉस नहीं करेगा ग्राफ। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हमें बेंडिंग पॉइंट्स निकालने हैं। तो बेंडिंग पॉइंट निकालने का वही तरीका, अच्छा उससे पहले आप यहाँ पर वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और x इक्वल्स टू नेगेटिव वन, यानी आपने इक्वेशंस को यहाँ पर जो है वो लिखना भी है, आपके क्वेश्चन की ये डिमांड है तो आपने साथ साथ लिखना भी है। अब हमें क्या करना है, हमें बेंडिंग पॉइंट चेक करना है। तो बेंडिंग पॉइंट को चेक करने का तरीका क्या है कि आपका ये जो वर्टिकल एसिम्प्टोट है इससे एक पॉइंट राइट और एक पॉइंट लेफ्ट लेकर आप सिंपली लेफ्ट और राइट के लिए बेंडिंग पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट राइट ले लेते हैं। तो राइट में मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है ज़ीरो, जिसको अब मैं अपने फंक्शन में पुट करने जा रही हूँ। तो ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास, ये देखें, वन ओवर ज़ीरो प्लस वन विच इज़ इक्वल्स टू वन ओवर वन विच इज़ इक्वल्स टू वन, यानी जो मेरा पहला पॉइंट आया है वो मेरे पास क्या आया है, 0.1 आ गया है। सही है, तो इस पॉइंट को आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, 0.1 ये आ गया है पॉइंट जहाँ पर मेरा ग्राफ क्या होगा, बेंट होगा। अब क्योंकि ये राइट हैंड साइड का था तो आप राइट हैंड साइड की हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को चेक करें, वो क्या, पहले वर्टिकल को चेक कर लेते हैं क्योंकि हम पहले उसी को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लिमिट की जो आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट आया है वो क्या आया है, पॉजिटिव इन्फिनिटी आया है, वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या होगा मेरे पास, इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। अब उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे बेंडिंग आनी चाहिए, इस पॉइंट पर बेंडिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपने इस तरह से रखना है बेंड करता हुआ, और इसको क्रॉस नहीं करना, इसके साथ चलना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम चलते रहे, तो यहाँ पर हमारे पास टॉप की तरफ कहीं पर वाई इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा होगा, तो आप इसको यहीं छोड़ दें।
अब ये तो हमारे पास बन गया, अब मुझे इस तरफ आना है। तो इस तरफ आने के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा, मुझे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की पॉजिटिव साइड की इक्वेशन चाहिए होगी, जो कि मेरे पास आई थी y इक्वल्स टू जीरो। तो y इक्वल्स टू जीरो मेरे पास कहाँ, इस तरफ हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है मेरे पास आहिस्ता 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 वो इस तरह आएगा। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिएगा, प्रॉपर ड्रॉ करना इसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये यहाँ पर बेंड होगा और इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुकी है एक वो जहाँ पर ये मेरा बेंडिंग पॉइंट है, ये जो है मेरे पास वो आई है वर्टिकल एसिम्प्टोट के थ्रू और ये मेरे पास आई है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के थ्रू। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब हमने पॉजिटिव के लिए तो बना ली है अपनी जो ग्राफ है, अब हमें नेगेटिव वाले के लिए बनाना है। तो नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्टिकल एसिम्प्टोट है उससे एक पॉइंट आप लेफ्ट की तरफ जाओ, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव वन था, तो ये क्या होगा, ये होगा नेगेटिव टू। अब नेगेटिव टू को आप यहाँ पर फंक्शन में पुट करो एक्स की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन ओवर नेगेटिव टू प्लस वन विच इज इक्वल टू वन ओवर नेगेटिव वन विच इज इक्वल टू नेगेटिव वन। यानी कि जो मेरा पॉइंट आया है वो क्या आया है, वो मेरे पास आया है नेगेटिव टू कॉमा नेगेटिव वन, ये पॉइंट आया है। इसको आप ग्राफ के अंदर प्लॉट कर लें, तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो नेगेटिव टू ये रहा और नेगेटिव वन ये रहा, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पर मेरा ग्राफ क्या होना है, बेंट होना है। अब आप इसकी पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन चेक कर लें लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट की जो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट अप्लाई करके आई है वो आई है वाई इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, वाई इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी ये आई है। तो यहाँ पर वाई इक्वल्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, लेकिन वो इस रेड लाइन के साथ साथ चलेगा, इसको क्रॉस करके नहीं लेके आइएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेंडिंग पॉइंट बनाते हुए आप ये लेके आ गए अपनी इसको नीचे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आया है वो अब मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाला है वो चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट को अप्लाई करने से हमारे पास आया है y इक्वल्स टू जीरो। तो y इक्वल्स टू जीरो मेरे पास कहाँ, ये यहाँ से बेंड करते हुए आप लेकर आओ और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते मेरे पास y इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके का मेरे पास बन जाएगा। ठीक है, इसको हल्का सा मिटा लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आया है, ये मेरे पास आया है बेंडिंग पॉइंट, ये जो आया है मेरे पास वो आया है मेरे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट के थ्रू और ये जो आया है वो आया है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले मैं एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। आपको जब भी क्वेश्चन मिलता है आप पहले चेक करते हैं कि फंक्शन रैशनल है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा पहला काम होता है। अब जब फंक्शन रैशनल होता है उसके बाद जो हमारा सेकंड टास्क होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करना, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटीज़ के ऊपर। फिर जो हमारा थर्ड टास्क होता है वो होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट को फाइंड आउट करना, जिसके लिए हम डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं जीरो के और उसके बाद फिर हम इसको वेरीफाई भी करते हैं, जो भी वैल्यू आती है उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिमिट्स के साइड पर चेक करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पर भी चेक करते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट पर भी चेक करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ग्राफ का काम। ठीक है, तो ग्राफ में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को ड्रॉ करते हैं, फिर हम वर्टिकल एसिम्प्टोट को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब हमें जो है वो नेक्स्ट टास्क होता है बेंडिंग पॉइंट को चेक करना, जिसके लिए हम वर्टिकल एसिम्प्टोट का इस्तेमाल करते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट से एक साइड लेफ्ट जाते हैं, एक साइड राइट जाते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि जब हम लेफ्ट जाते हैं तो लेफ्ट के लिए हम लेफ्ट साइड की हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट को भी चेक करेंगे और वर्टिकल एसिम्प्टोट को भी चेक करेंगे। और इसी तरह जब हम वर्टिकल एसिम्प्टोट के राइट हैंड साइड पर आएंगे तो राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन चेक करेंगे। और अच्छा, हॉरिजॉन्टल इसमें नीचे आता है और वर्टिकल एसिम्प्टोट ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना सा काम है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी मैं लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड की लिमिट्स के लिए था, ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट्स के लिए था। तो ये इतना सा टास्क है हमारे पास लिटरली हर क्वेश्चन में करने का। सो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को समझ आया भी है या नहीं।